संभल में जामा मस्जिद को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, हिंसा हुई, आपने देखा। लेकिन शायद ये शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि देश के कई हिस्सों में इस तरीके से बवाल मचे। बवाल ना भी मचे तो अमन चैन से रह रहे दो धार्मिक समुदायों में खटास पैदा हो सकती है। कुछ लोगों का तर्क है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी मंदिर को मस्जिद में या मस्जिद को मंदिर में नहीं बदल सकते। तर्क सही है, लेकिन मई 2022 में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि ठीक है, हम भले ही मंदिर और मस्जिद में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई जानने के लिए सर्वे करा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जिला अदालतों के लिए, सिविल कोर्ट के लिए हरी झंडी की तरह हो गया है। अदालतों द्वारा मस्जिद का सर्वे करने के आदेश दिए जाने लगे हैं, जिसका ताजा उदाहरण संभल है। जिस दिन याचिका लगी वहां पर, उसी दिन सर्वे का आदेश आ गया और फिर बवाल, हिंसा और आगजनी। देखा जाए तो ऐसे कई मस्जिद हैं जिन पर विवाद है। इनमें से कई जगह सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं और कई जगह दिए जाने बाकी हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर क्या होगा? चलिए कुछ मस्जिदों के बारे में आपको बताते हैं जिसे लेकर विवाद है और इस इलाके में ये मुद्दा उठता रहा है। मार्च 2018 में यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे वसीम रिजवी ने उन विवादित मस्जिदों के स्थलों को हिंदुओं को लौटाने की अपील की थी जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाए जाने का आरोप लगा है। रिजवी की लिस्ट में 9 विवादित मस्जिदें थीं: अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद, गुजरात के पाटन में जामी मस्जिद, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, पश्चिम बंगाल के पांडुआ में अदीना मस्जिद, MP के विदिशा में बीजा मंडल मस्जिद और दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। इसके अलावा ताज महल को लेकर भी विवाद होता रहा है। हालांकि बाद में वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया था। बनारस और मथुरा मस्जिद का मामला तो काफी सुर्खियों में रहा, इसकी जानकारी आपको होगी ही। इसके अलावा बात करते हैं अन्य मस्जिदों की। धार की कमल मौला मस्जिद, हिंदू इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर भोजशाला बताते हैं, जबकि मुस्लिम इसे अपनी इबादत गाह यानी कि मस्जिद बताते हैं। माना जाता है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण हिंदू राजा भोज ने 1034 में कराया था। इस पर पहले सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, फिर मुस्लिम कमांडर दिलावर खान ने सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदलने की कोशिश की। इसके बाद से महमूद शाह ने भोजशाला पर हमला करके सरस्वती मंदिर के बाहरी हिस्से पर कब्जा करते हुए वहाँ कमल मौलाना मकबरा बना दिया। विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद, MP के विदिशा शहर के स्थित बीजा मंडल मस्जिद को लेकर भी विवाद रहा है। माना जाता है कि बीजा मंडल मस्जिद का निर्माण परमार राजाओं द्वारा निर्मित चर्चिका देवी के हिंदू मंदिर को नष्ट करके किया गया था। इस स्थल पर मौजूद एक खंभे पर लगे शिलालेख में बताया गया है कि मूल मंदिर देवी विजया को समर्पित था। उन्हें चर्चिका देवी भी कहा जाता है। माना जाता है कि 1658 से 1707 के दौरान औरंगजेब ने जब इस मंदिर पर हमला करके इसे लूटा और नष्ट कर दिया। अब इसके बाद बात करते हैं जौनपुर की अटाला मस्जिद। यूपी के जौनपुर जिले के अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शाह शर्की ने कराया था। माना जाता है कि इब्राहिम ने जौनपुर में स्थित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर वहां अटाला मस्जिद बनाई थी। अटाला देवी मंदिर का निर्माण गढ़वाला के राजा विजय चंद्र ने कराया था। इसे लेकर भी जब तक विवाद होता रहता है। बंगाल की अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पांडुआ में स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण 1358 से 90 में सिकंदर शाह ने कराया था। माना जाता है कि उसने भगवान शिव के प्राचीन आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह अदीना मस्जिद बनवाई थी। हिंदुओं का दावा है कि अदीना मस्जिद के कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों के स्टाइल की डिजाइन नजर भी आती है। अब बात करते हैं पाटन की जामी मस्जिद या रुद्र महालय, इन्हें हिंदू कहते हैं। गुजरात के पाटन जिले में स्थित जामी मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि इस मस्जिद को यहाँ के रुद्र महालय मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। गुजरात के पाटन में आज भी रुद्र महालय मंदिर के अवशेष नजर आते हैं। रुद्र महालय मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह ने कराया था। 1410 से 1444 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दिया था। बाद में अहमद शाह प्रथम ने मंदिर के कुछ हिस्से को जामी मस्जिद में बदल दिया था। अहमदाबाद का जामा मस्जिद या भद्रकाली मंदिर, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद को लेकर ये माना जाता है कि इस मस्जिद को हिंदू मंदिर भद्रकाली को तोड़कर बनाया गया है। अहमदाबाद का पुराना नाम भद्रा था। भद्रकाली मंदिर का निर्माण 9वीं से 14वीं सदी तक राज करने वाले राजपूत परमार राजाओं ने कराया था।
अहमदाबाद में अभी जो जामा मस्जिद है उसे अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाया था। दावा है कि इस मस्जिद के ज़्यादातर खंभे हिंदू मंदिरों के स्टाइल में बने हैं। इसे लेकर भी विवाद हो चुके हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मस्जिद हैं जिसको लेकर विवाद होते रहे हैं। कई मस्जिदों का सर्वे जारी है और कई मस्जिदों के सर्वे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। सवाल यही है कि क्या इससे धार्मिक दूरियां नहीं बढ़ेंगी। एक सवाल ये भी है कि जब 1991 वर्शिप एक्ट के तहत हम किसी भी मंदिर या मस्जिद को बदल नहीं सकते तो फिर सर्वे कराकर सच्चाई जानकर हम क्या कर लेंगे। ऐसा सच जो सामाजिक और धार्मिक अलगाव लाता हो, क्या वर्तमान हालात में ऐसे सच को सामने लाने की कोशिश करना सही है? इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।